पुलाड का जबरदस्त छक्का, मैदान के बाहर जा गिरी गेंद, गेंद लेकर भाग गया एक युवक। बता दें कि इस वक्त यूएई में इंटरनेशनल टी20 लीग खेली जा रही है। इसी में कई टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसी लीग के दौरान एक मुकाबला खेला गया। मुकाबला था डेजर्ट वाइपर्स और एमआई एमिरेट्स के बीच। एमआई वही टीम है जो मुंबई इंडियंस है और दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के दौरान एक ऐसा वाक्या हो गया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बता दें कि इस मैच में एक दो नहीं बल्कि एमआई एमिरेट्स के तीन तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। मोहम्मद वसीम के साथ साथ किरान पोलार्ड ने भी 19 गेंदों में 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके अलावा कुल तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ने के साथ ही टीम को मजबूती दी। लेकिन इन सभी के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की बात करें तो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के दौरान एमआई एमिरेट्स के बल्लेबाज ने छक्का जड़ दिया। छक्का इतना जोरदार था कि गेंद शारजाह स्टेडियम के बाहर जा गिरी, जिसके बाद वहां एक युवक मौजूद था। युवक ने गेंद को देखा और उसको देख करके वह उठा करके भाग निकला। बता दें कि इस दौरान एक गाड़ी भी वहां कर रुकी। गाड़ी वाले ड्राइवर ने भी उस युवक को रोका और उस गेंद को देखा और इसके बाद वो युवक उस गेंद को लेकर फरार हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैन जिसमें गेंद को उठा करके अपने साथ लेकर के चला गया। बता दें कि इसी के साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में किरण पोलार्ड का एक छक्का देखा जा सकता है। किरण पोलार्ड ने एक जबरदस्त छक्का जड़ा। 100 मीटर से ज्यादा दूरी वाले इस छक्के को भी किरण पोलार्ड ने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और साथ ही स्टेडियम के बाहर भी जाकर गिर गई। इसके बाद वहां एक और फैन मौजूद था। फैन ने उस गेंद को उठाया, रोड को क्रॉस किया और गेंद को वापस मैदान में फेंक दिया, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने उस गेंद को उठाया और मैच आगे शुरू हुआ। पोलार्ड का ये छक्का 104 मीटर का रहा, जिसमें उन्होंने गेंद को हवाई फायर के लिए भेजते हुए स्टेडियम से बाहर जा भेजा। बाहर भेजने के बाद फैन ने एक सभ्य तरीके से उस गेंद को उठा करके वापस मैदान में फेंका और ग्राउंड स्टाफ ने मुकाबले को आगे शुरू किया। मुकाबले की बात करें तो एमआई एमिरेट्स ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स की टीम 84 रन पर ऑल आउट हो गई। एमआई एमिरेट्स ने इस मुकाबले को जीता। फजलक फारूकी ने 3 विकेट, जहूर और इमरान ताहिर ने 2-2 विकेट चटकाए। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपकी जो कुछ राय है वायरल वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।